अच्छा, आगे हम पॉलीसेक्राइड को देखेंगे। जो वर्ड पॉली है, ये पॉली पॉली की मीनिंग है मेनी, और सेक्राइड्स आपको पता है कि जो मोनोसेक्राइड्स, इसमें मोनोमर्स होते हैं, वो सेक्राइड यूनिट हैं। अगर हम पॉलीसेक्राइड को देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इसमें हाई होता है, और अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें किसी भी पॉलीसेक्राइड को, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये इसकी चार एग्जांपल हैं। इन चारों को हम पढ़ेंगे, एक स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। अगर पॉलीसेक्राइड को आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, सेक्राइड्स होते हैं, इसलिए इसको हम पॉलीसेक्राइड कह रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, और जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ेंगे, तो इसके अंदर जो यील्डिंग होगी, इसके अंदर जो मोनोमर्स निकलेंगे, वो बहुत सारे मोनोमर्स निकलेंगे, मेनी मोनोमर्स आर यील्ड, इसमें से बहुत सारे मोनोमर्स निकलेंगे। अगर हम कंडेंसिएशन का प्रोसेस देखें, मीन्स बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनता है, और बहुत सारे, कितने, 100 से लेके 1000 तक इसमें मोनोसेक्राइड कंडेंस होके आपस में मिलके कंडेंसिएशन के प्रोसेस के थ्रू बनता क्या है, पॉलीसेक्राइड बनता है। ये पॉलीसेक्राइड स्टार्च हो सकता है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के एक जैसे मॉलिक्यूल होंगे, होमो पॉलीसेक्राइड कहेंगे। जब वर्ड होमो आएगा, होमो की मीनिंग होगी सेम या सिमिलर, ठीक है, तो होमो पॉलीसेक्राइड होगा। होमो जो है पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लाइकोजन आ जाएगा, सेल्यूलोज आ जाएगा और काइटिन आ जाएगा। इन चारों को आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार्च है। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च किसी भी चीज में, ऐसे हमें जब डिटेक्ट करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो उसके लिए आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट होती है। एक मीन्स, अगर आप थोड़ा सा पोटैटो लें, पोटैटो के अंदर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो उसका कलर जो है सॉल्यूशन का, वो ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि जो आपने सैंपल लिया है उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। तो स्टार्च विद आयोडीन टेस्ट ब्लू कलर देता है। एंट्री टेस्ट के हवाले से आपने याद करना है कि इसमें ब्लू कलर आता है, इसमें स्टार्च में आयोडीन के साथ जब टेस्ट की जाती है तो इसके अंदर ब्लू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड मटीरियल है इसके अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर ये रिजर्व फूड मटेरियल है। सीरियल प्लांट्स के अंदर, सीरियल प्लांट्स जो अनाज वाले प्लांट्स हैं, जो दाने वाले प्लांट्स हैं, उनको सीरियल प्लांट्स कहते हैं। सीरियल प्लांट्स के अंदर वीट आ जाता है, कॉर्न आ जाता है, ठीक है, मेज आ जाता है, रे आ जाता है, बारले आ जाता है, ठीक है, और भी जो अनाज दाने वाले प्लांट्स हैं, जो आटा बनता है जिनमें से, उनको सीरियल प्लांट्स कहते हैं। और इसकी जो फैमिली है वो पोएसी या ग्रेमिनेसी फैमिली है। लेग्यूम फैमिली, जिसके अंदर फली बनती है, जैसे पीजम स्टिवम हो गया, जिसको जॉन ग्रेगर मेंडल ने यूज किया था, ट्यूबर्स जैसे पोटैटो हो गया, इसके अंदर भी स्टार्च होता है। और दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर भी रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो है मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट का है। तो यहाँ पे आपने जो बात नोट करनी है, किसका है, रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स का है। आगे हम देखते हैं जो स्टार्च है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो स्टार्च है, इसके अंदर हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर स्ट्रक्चर हमें दो अकसाम के मिलते हैं। एक है अमाइलोज, एक अमाइलोज स्टार्च है, और दूसरी स्टार्च अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन, जो अमाइलोज है, इसके अंदर स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की, और ये सोल्यूबल होता है इन हॉट वाटर। हम अमाइलोज को देखें तो जो अमाइलोज है, अमाइलोज के अंदर जो ग्लूकोज है, अभी रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, आप देख लीजिएगा, ऐसे जो है स्ट्रेट चेन यू, जो ग्लूकोज ग्लूकोज की यूं स्ट्रेट चेन जो है मिलती जाती है, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, यहाँ पे भी 1,4, यहाँ पे भी 1,4, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाती है।
अब देखें ये जो है ये रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो इसके अंदर जो हाइड्रोजिस है वो फ्री है, सॉरी कीटोन जो है वो फ्री है, और वहां से दूसरे मॉलिक्यूल्स लगते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? 1,4 बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे देखें और कौन सी? अल्फा 1,4 है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है कौन सी हो रही है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो रही है। और अगर हम अमाइलोपेक्टिन को देखेंगे तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग होती है, मीन्स यूं स्ट्रेट चेन तो बनती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते जाते हैं, और यहाँ पे वही बॉन्डिंग हो रही है 1,4, मीन्स एक कार्बन नंबर 1 एक मॉलिक्यूल का, दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 मिलता है, और यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। मगर क्या होता है कि यहाँ पे एक एंड 6 कार्बन को देखेंगे तो ये 6 एंड फ्री होगा, और यहां से क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 जो दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 और जो दूसरा ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 6 आके मिलता है, और यहाँ पे यूं साइड चेन जो है बनती है। तो इसके अंदर ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद है, और जो है इसके अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग हो रही है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग हो रही है, इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक अमाइलोज के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा देखें, अल्फा और बीटा जब आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, अगर ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बनाए तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 1 है, अगर ऊपर OH होगा और नीचे अगर H होगा तो इसको हम कहेंगे बीटा, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर हाइड्रोजन होगा और नीचे अगर OH होगा तो इसको हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। तो इसके अंदर 10 मिनट रह गए हैं बाकी जहां पहुंचे। अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और अमाइलोज के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। नंबर 2, अगर ग्लाइकोजिन को देखेंगे तो ग्लाइकोजिन जो है, ग्लाइकोजिन के अंदर होमोपोलीसेक्राइड है, स्टार्च भी होमोपोलीसेक्राइड है। होमो की मीनिंग मैंने आपको बताया था कि होमो की मीनिंग सेम है, और पोली मीन्स मैनी, इसके अंदर बहुत सारे एक जैसे जो है सैकराइड्स होते हैं, और सैकराइड्स कौन से होते हैं? अल्फा ग्लूकोज होता है। अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूं आके जो है स्ट्रेट चेन में आके मिलते हैं, क्योंकि ये एक जैसे हैं इसलिए इसको होमो कर रहे हैं, बहुत सारे हैं इसके लिए पोली कर रहे हैं, सैकराइड्स हैं ये, ग्लूकोज के मोनो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं जो मिलते हैं और ग्लाइकोजिन बनाते हैं। ग्लाइकोजिन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। एनिमल स्टार्च इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाया जाता है कहाँ पे? एनिमल में। ये मिलता है एनिमल्स के अंदर, और ये कहाँ और किन किन एनिमल्स के अंदर मिलता है? ये हमें फंगस में मिलता है, ये हमें बैक्टीरिया में मिलता है, और हमारी बॉडी के अंदर इंसानों के अंदर ये रिजर्व फूड मटीरियल है, और ये स्टोर होता है कहाँ पे? लिवर में और मसल्स के अंदर, लिवर और मसल्स के अंदर ये जो है स्टोर होता है। अगर इसकी हम आयोडीन की टेस्ट करें तो आयोडीन की टेस्ट में सॉल्यूशन में इसका कलर जो है रेड आएगा, और जो स्टार्च था उसका कलर ब्लू आ रहा था। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखें, तो ये अमाइलोपेक्टिन जिसके अंदर क्या थी? ब्रांच थी, जिसके अंदर ब्रांच थी अमाइलोपेक्टिन के अंदर, ये भी ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है, अमाइलोपेक्टिन की तरह है, मगर इसके अंदर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसमें एक ब्रांच थी, और जो ब्रांचिंग में लिंकेज थी वो कौन सी थी? ज़रा याद करें, 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी। तो ये हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है, और इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। सेलुलोज को अगर देखेंगे तो सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट, वो जो मैं बात कर रहा था, मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है कहाँ पे? अर्थ में, या हम नेचर लिख लें तो भी बात सही रहेगी। तो ये मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है,
हाईली इंसुल्यूबल इन वाटर है, ये भी होमो पॉलीसेक्राइड है, मगर यहाँ पे जो मोनोमर्स होते हैं वो बीटा ग्लूकोसिस होते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने मॉलिक्यूल्स देखे थे वो अल्फा ग्लूकोसिस से, ये जो है बीटा ग्लूकोसिस है, इसके अंदर बीटा ग्लूकोसिस के मॉलिक्यूल होते हैं और यहाँ पे लिंकेज जो होती है, यहाँ पे याद करनी है आपने लिंकेज, कि यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो रही है। एक बीटा ग्लूकोस के कार्बन नंबर 1 होगा, दूसरा जो इससे आके मिलेगा उसका कार्बन नंबर 4 होगा और ये लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, एक तरफ से कार्बन नंबर 1 एक तरफ से कार्बन नंबर 4 आके आपस में ज्वाइंट होता है और दोनों जो मोनोमर्स होंगे वो बीटा ग्लूकोसेस होंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, अच्छा सॉरी, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो बनी होती है इसकी सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है, और ये जो प्योर सेलुलोज है, प्योर सेलुलोज की अगर हम बात करें तो काटन प्योर सेलुलोज है और जो पेपर जिस पे आप लिख रहे हैं ये भी प्योर सेलुलोज है, ये इंटीडेस के हवाले से नोट कर लीजिएगा। अच्छा आगे हम बात कर रहे हैं काइटिन की, अगर हम काइटिन को देखेंगे, नंबर 4 जो कार्बोहाइड्रेट है वो काइटिन है, काइटिन का फार्मूला याद कर लीजिएगा, 5 कार्बन है, 13 इसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं, 5 ऑक्सीजन होते हैं और इसको फंगर ग्लूकोज कहते हैं क्योंकि मोस्टली ये फंगस के जो सेल वाल है उसमें पाई जाती है, फंगस की जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है इसलिए इसको फंगस सेलुलोज कहते हैं। ये भी होमो पॉलीसेक्राइड है, मीन्स पोलीमर, ये पोलीमर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन का, ये याद रखिएगा इसके अंदर ग्लूकोसोमाइन है और एन एसिटाइल जो है डेरिवेटिव है ग्लूकोज का और इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन और ज्यादा इसको स्ट्रेंथ देती है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करती है, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ हो रही होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड इसको नाइट्रोजन कर रहा होता है। और याद रखिएगा कि ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ या नेचर, नेचर का ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो लिंकेज होती है कौन सी है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इससे पहले जितनी भी लिंकेज हमने देखी थी वो अल्फा थी पर यहाँ पे कौन सी लिंकेज आ रही है, बीटा आ रही है। इसका स्ट्रक्चर सेलुलोज की तरह ही है, जैसे सेलुलोज का स्ट्रक्चर है वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है, मगर इसके अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसको मोर स्ट्रेंथ देती है, इसको ज्यादा स्ट्रेंथ जो बढ़ रही होती है वो नाइट्रोजन की वजह से बढ़ रही होती है। ये हमें फंगस की सेलवाल में मिलता है और एक्सोस्केलेटन मींस जिसके मसल्स उन जानदार, वो जानदार जिनके मसल्स अंदर हो और स्केलेटन जो है वो बाहर हो तो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, हम जो हैं वो एंडोस्केलेटन है, जैसे आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है इंसेक्ट आ जाते हैं, अगर हम इंसेक्ट को देखें तो इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है उनके अंदर काइटिन होता है मगर काइटिन के अंदर प्रोटीन भी होता है तो इसलिए हम इस काइटिन को मॉडिफाइड फॉर्म कहते हैं। एक और मॉडिफाइड फॉर्म है जो मोलिस्का के अंदर मिलती है जिसके साथ जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो हार्ड शेल बनता है मोलिस्का के अंदर वो भी जो है मॉडिफाइड काइटिन की वजह से बन रहा होता है। ये तो आज हमने डिस्कस किया है, मैंने कोशिश की है कि थोड़े से टाइम में आपको बताया जाए कि ओलिगोसेक्राइड क्या है। तो ओलिगोसेक्राइड के बारे में हमारी डिस्कस हुई, ये फ्यू मॉलिक्यूल के कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर जो डाइसेक्राइड है स्पेशली जो सक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज और जो लैक्टोज है, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर माल्टोज को कहते हैं, ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है और जो सक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो जो है सक्रोज माल्टोज और ग्लेक्टोज आ जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तो रिड्यूसिंग शुगर माल्टोज और ग्लेक्टोज है, मींस जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्री अल्डोजेस और फ्री कीटोसिस ग्रुप होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सक्रोज आ जाता है, हमने देखा कि ये जो है नॉन रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि इसमें अल्डोसिस और कीटोसिस मौजूद
मौजूद नहीं होते या जो है फ्री नहीं होते। पॉलीसेक्राइड के अंदर हमने स्टार्च को देखा कि ये प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है, और उसके बाद ग्लाइकोजन का देखा, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं क्योंकि ये एनिमल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है। उसके बाद हमने सेलुलोज को देखा, प्लांट के अंदर होता है और मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है, और प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी हुई है। काइटिन जो है सेकेंड अबंडेंट मॉलिक्यूल है, और हमने काइटिन को देखा कि जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। जो भी आपने सवाल पूछना है तो आप नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप करें, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं 0333-336-998। इस पे अपना नाम लिख के आप मुझे जो है व्हाट्सएप करें। जो गर्ल्स हैं वो वॉइस नोट भेजें तो गर्ल्स का ग्रुप हम अलग बनाएंगे और बॉयज का ग्रुप हम अलग बनाएंगे। आज मैं अपने चैनल पे इन सब की ट्रेस दे दूंगा। जब भी आप यूट्यूब पे चैनल को सर्च करेंगे तो मेरे नाम से सर्च करेंगे, दिलीप कुमार कटारिया लिखेंगे, KATARIA कटारिया लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, और इसमें ये लेक्चर में अपलोड भी कर दूंगा। जो टेस्ट है वो भी आप दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।